कि गुजरात में अनगिनत इंस्टीट्यूट है। जी सर। अब गुजरात में कहीं ट्राई किए थे आप? नहीं, कहीं नहीं गए। सीधे एशिया टेलीकॉम आने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। गुजरात से कोई अगर आना चाहे, तो मैं कहना चाहूँगा वो वेलकम है, जो मेहनत करना जानता हो, पूरा दिन 12-13 घंटा 14 घंटा भी हो सकता है, डेट भी चेंज हो सकता है, यहाँ 20 तारीख को आए 21 भी हो जाता है, जो मेहनत करना जाने वही आ सकता है, हाँ। और सही नॉलेज चाहिए, सही टेक्नीशियन बनना है अच्छा, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे MD सर पूछेंगे। सर, लाइव क्लास चल रही है और लाइव क्लास में MMC कल भी आपकी क्लास है, कल है आपकी डबल डेकर की क्लास जी। आपने 18 दिन हार्डवेयर पढ़ा राइट? जी सर। 18 दिन हार्डवेयर हुआ आपका? यस सर। है ना, और 4 दिन आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास हुई राइट सर? यस सर। 4 दिन आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास हुई, उसके बाद आपकी MMC की क्लास है। यस सर। 15 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई आपको? 20 तारीख। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और आज 20 तारीख, मतलब 6 दिन। और कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। यस सर। कल भी क्लास है और परसों भी क्लास है। तो ये बताओ मेरे को कि एक डेड मोबाइल अब तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हाँ सर, बना सकते। मैं बोलता हूँ कि उसमें हार्डवेयर से फॉल्ट है, बना सकते हो? जी सर। मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर से फॉल्ट है, बना सकते हो? मैं बोलता हूँ MMC से फॉल्ट है। जी सर। वो MMC कोई सी भी ब्रांड की लगी हो, कोई सा भी CPU लगा हो, आपको बदलने में सक्षम है? यस सर। मैं बोलता हूँ उसकी बैसबैंड अननोन हो गया, उसकी सिक्योरिटी अननोन हो गई, आप बना सकते हो? यस सर, बिंदास बना। कौन कौन बना सकता है? सब बना सकते हैं। तो ये बताइए आप मेरे को कि क्या लेवल है आपके पास अभी? अभी आपको एक डेट डायग्नोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। क्षमता है आप में? यस सर, है सर, प्रो लेवल की अभी यहाँ पे मिला है। अगर यही क्लास हम आपको डायरेक्ट पहली MMC की देते हैं, पहली सॉफ्टवेयर की क्लास देते हैं? नहीं होता। बोलो, नहीं होता सर। वो पता क्या? नहीं होता। क्या डाटा, क्या क्लॉक, नहीं, क्या स्लीप क्लॉक, नहीं, बीबी क्लॉक, कुछ भी मालूम पड़ता है क्या? नहीं नहीं सर। पावर का सीक्वेंस मालूम नहीं होता, डीसी मशीन की रीडिंग नहीं मालूम होती, कंपोनेंट का आइडिया नहीं होता, I2C प्रोटोकॉल मालूम नहीं होता, तो आप ये कर पाते क्या? नहीं कर पाते सर। नहीं कर पाते? नहीं। तो जो नॉलेज मिला है वो सीक्वेंसेस से मिला है कि नहीं मिला? धीरे 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 धीरे। बिल्कुल। ये तरीका देव सर का कैसा लगा? जो एक तरीका होता है, जो एक इंटर्न का तरीका होता है, तो वो तरीका कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया लगा और बहुत समझ में भी आया। बहुत समझ में भी आया। तो अभी ये सक्षम हो कि आप ऑल सेट को डायग्नोस कर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो सुनील अपन बात शुरू से करेंगे। और मतलब किस लेवल का नॉलेज मिला है? बढ़िया मिला सर, मस्त। मतलब किस तरीके से अपन शुरुआत से बात करते हैं कि अपने को हार्डवेयर करा अपन ने स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट दिन आए थे ICQ रिबॉलिंग किया, वो यूनिवर्सल एक्सटेंशन, फिर लाइव फोन डायग्नोस किए, CPU उसका पावर IC निकाला, सारे सेक्शंस पढ़े अपन ने, सभी किया, सारे सेक्शंस पढ़े, स्टेप बाय स्टेप सभी किया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय। उसके बाद फिर अपन ने सॉफ्टवेयर की क्लास के बाद फिर अपन ने अभी देव मिलन सर के साथ मजा आ रहा है क्लास का। तो उसके बाद ये बताओ मेरे को कि मतलब एक अगर डेट अप से डेट आता है बनेगा वो? तो डेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा वो। बनेगा 100% बनेगा? कॉन्फिडेंस है? यस सर। कोई सेट वापिस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, आगे आइए। जी सर। तो बाकी जी सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC, अब बताओ मेरे को पूरा, अब वाले बापी में 28 तारीख वाले बापी में और आज के बापी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है, थोड़ा एक्सप्लेन करो अपने मुंह से। सर पहले तो बोर्ड दे, मोबाइल का बोर्ड देख से मन, देखने के बाद कुछ मालूम नहीं पड़ता, अभी देखने को कौन सा सेक्शन में क्या है थोड़ा मालूम हो गया। ठीक है जी सर। अभी कोई भी सेक्शन, कोई भी डेट मोबाइल भी आ जाए, डेट सेक्शन हो, डायग्नोस करने में कितना टाइम लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम आपकी फर्स्ट पावर से, सेकंड पावर से, CPU से, MMC से या सॉफ्टवेयर से, कितनी देर लगेगी डायग्नोस करने में? 5 से 10 मिनट के अंदर। 5 से 10 मिनट अगर डायग्नोस में अगर सपोज हुआ कि इसकी MMC चेंज करना है सर, आप कर सकते? तो आप चेंज कर सकते हो? एक कस्टमर आया कि भैया मेरे को 32 GB की जगह, हेलो, मेरे को 32 GB की जगह 64 GB करना है, तो कर सकता है? कौन कौन कर सकता है भाई? सब कर सकते हैं सर। कर सकते सब कर सकते हैं। और अगर उसमें ओनली सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हुई तो आप पहचान सकते हो? जी सर। ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई लफड़ा है क्या? जो लफड़ा था सो पहले सॉल्व हो गया। जी सर। ऑनलाइन ऑफलाइन का लफड़ा सॉल्व हो गया? पहले बहुत डरते थे क्या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, जानकारी नहीं था, या जानकारी मिल गया?
थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सेफी सर। आप ओनली ईएमसी करने आए हैं? यस। आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमसी, आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ओनली ईएमसी करने आए हैं? यस। तो जब आप एशिया टेलीकॉम में आप आज जो पढ़ाने का तरीका लगा है, आपने अभी 7 दिन की क्लास ली है, जो पढ़ाने का तरीका लगा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये ऑनलाइन क्लास लेके भी आप कोर्स कर सकते थे ना? 4,000 या 5,000 में ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते थे यार। सर ऑनलाइन कर तो देते हैं, लेकिन उसमें वो नॉलेज नहीं मिल पाती जो एशिया टेलीकॉम में मिली है। अच्छा, तो मतलब किस से आपका नॉलेज मिला है आपको? सर ये कहेंगे कि प्रोफेसर, टीचर भी नहीं बोलेंगे, प्रोफेसर, प्रोफेसर बोलेंगे आप। तो हर एंगल से आपने वो ईएमसी अपग्रेड करना हो, रीड करना हो, राइट करना हो, या डंप फाइल बनाना हो, या फिर सिक्योरिटी रीड राइट करना हो, मसला कोई दुनिया की कोई सी भी ईएमसी हो या कोई सा भी सीपीयू हो, तो अभी सक्षम हो कि नहीं आप करने में? बिल्कुल सर। जाइनोक्स हो, क्वालकॉम हो, में एसडीएम सीपीयू हो, है ना, या फिर SM CPU हो, MSM CPU हो, या फिर मीडियाटेक का कोई सा भी लोअर या सिक्योरिटी हो, हाई सिक्योरिटी हो। सर सीपीयू का मसला ही नहीं रहा, तो मसला नहीं कुछ भी रहा, मॉडल वाइज का मसला रहा क्या? सर मॉडल वाइज का भी मसला नहीं रहा, सीपीयू का भी मसला नहीं रहा, एक यूनिवर्सल मेथड है कि नहीं आपके पास? यस सर। यूनिवर्सल मेथड? जी सर बिल्कुल बिल्कुल है आपके पास। अभी सिर्फ ही अगर कोई मोबाइल आएगा तो अभी ईएमसी के नाम से आएगा तो खाली जाएगा क्या? नहीं सर, अब कोई भी शॉप से रिटर्न नहीं जाएगा। रिटर्न नहीं जाएगा? नहीं सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम सर मिंटू है, मैं वेस्ट बंगाल हूँ सर। मिंटू दुकान पे गए, ईएमसी से रिलेटेड फॉल्ट आया, ईएमसी खराब है, बनाओ कैसे बनाओगे? एक बार में बना देंगे सर। एक बार में बना देंगे सर। है टैलेंट आप में? है सर, अब मिल गया। पहले बोर्ड देख के मतलब भय रहता था, कौन सा कौन आईसी है, और ईएमसी रिलेटेड एक बार मतलब 5 मिनट खोलने में जितना देर लगेगा, चेक करने में सर उतना ही टाइम लगेगा। मतलब एक बार में बोल देंगे सर कौन सा चीज़ खराब है। तो ये जो निपुणता आई है आपको, खाली 6 दिन की क्लास में ये कि पूरे 28 दिन की क्लास भी उसके अंदर है? सर पूरा 28 दिन की क्लास में जो घुस गया ना अंदर सर, यहाँ पर ऐसे कहाँ पे दिमाग में, दिमाग में घुस गया पूरा। तो वेस्ट बंगाल से इतनी बड़ी फीस डाल के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, दुकान पे ताला मार के, है ना, हम सब दुकान पे ताला मार के इतनी बड़ी फीस जमा की है यहाँ पे, तो फीस का आउटपुट मिला कि नहीं? पूरा मिल गया, एकदम पूरा मिल गया सर, मन से बोल रहे पूरा मिल गया। देखो सर ये जो आप रिव्यू देख रहे हो ना, ये पैसे दे के या कुछ खाना खिला के रिव्यू नहीं आ रहा, ये स्टूडेंट आया कलकत्ता से आया है, ये उसकी जवानी बोल रहा है, और जो दिल की बात है हकीकत इसके जबान पे है, उसके फेस पे, आप फेस की रीडिंग कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, चलो तीनों आ जाओ नेपाल के। कौन कौन है नेपाल के? चारों जी। नाम बताइए। सुनील सर। जी सुनील। आपका नाम? विनोद। आपका नाम? सर। आपका नाम? सनी शर्मा सर। सनी। यस सर। तो सनी आप दुकान पे गए और ईएमसी से रिलेटेड कोई फॉल्ट आया? यस सर। कैसे करो? एक बार है, एक बार में बोले इजीली कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, कर लेंगे सर। आप कोई सा भी सीपीयू आ गया? कोई सा भी हो, कोई सा भी सीपीयू आ गया सर, सैमसंग आ गया, क्वालकॉम आ गया, मीडियाटेक आ गया, एसपीडी आ गया, तो मेथड है कि नहीं है? है सर। तो मेथड कॉपी में लिखी कि दिमाग में लिखी? दिमाग में, दोनों में लिखे। कॉपी और दिमाग दोनों में प्रिंट है। हार्ड डिस्क नहीं है हमारा दिमाग, अपन बाकी करने का तरीका आया कि नहीं आया, उसका प्रैक्टिकल करा कि नहीं करा, इतना जरूरी। ये कोर्स आप ईएमसी का आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, तो ऑनलाइन सही है कि ऑफलाइन सही है? ऑफलाइन सही है सर। ऑफलाइन सही है, तो क्या होता है ऑफलाइन में? थोड़ा सनी आगे आके बताइए मेरे को क्या होता है ऑफलाइन में, क्या क्या फायदा है ऑफलाइन के, थोड़ा बताइए सर। ऑफलाइन में यही बेनिफिट्स है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, सब कहाँ पे हमारा गलत हो रहा है, कहाँ पर नहीं, पूरा हम क्लियर हो जाएंगे। और हमारा ऑनलाइन में हमें पता नहीं रहेगा कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो इसीलिए फिजिकल क्लास जो है वो एकदम बढ़िया रहेगा। तो देखो सर पढ़ाते भी हैं, आप करते भी हो, करने के बाद भी डाउट्स पैदा होते हैं, डाउट्स पैदा होते हैं ना? होते हैं सर, है ना। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक सही आपके पास जो ट्रेनर होता है, तो सही ट्रेनर होने का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है सर। अभी ईएमसी में कितने टीचर मिले आपको? बहुत सारे सर, 3-4। तीन टीचर रहे आपके साथ? यस सर। तो कभी कमी महसूस हुई कि? नो सर। कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट बैठे हैं और 3 ही टीचर है, इसका महसूस हुआ क्या? नो सर। सर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे, वन मैन आर्मी होता है वहाँ पे। क्या होता है? वन मैन आर्मी। एक ही आपको थ्योरी भी पढ़ाएगा, वही प्रैक्टिकल कराएगा, वही सॉफ्टवेयर कराएगा, और वही ईएमसी भी कराएगा, और वही ट्रेनर रहेगा। तो आपको कितने बेनिफिट्स मिले हैं? बहुत सारे सर, हर चीज का, हर क्लास का एक स्पेशलिस्ट मिला है आपको? यस सर। आपके वो भले ही बात करने की, आपके प्रैक्टिकल की बात हो, आपकी थ्योरी की बात हो, आपके सॉफ्टवेयर की बात हो, आपके एमएमसी की बात हो, तो आपको स्पेशलिस्ट मिले कि नहीं? आप मिले हैं सर। कोई स्पेशलिस्ट ऐसा लगा आपको कमजोर है? नो सर। कोई कमजोर स्पेशलिस्ट मिला आपको? नो सर। अनुभवहीन कोई टीचर को बिठा दिया यहाँ पर? नो सर। सर
ये एशिया टेलीकॉम की ISP है। यस सर। और जो आपको नॉलेज मिला है वो तरीका है पढ़ाने का एशिया टेलीकॉम का। यस सर। कि आपको कब कौन सा नॉलेज, कौन से MG का इंजेक्शन कब लगाना है आपको। यस। तो आपको सिस्टमेटिक नॉलेज जो देव सर के द्वारा मिला है आपको, उनके माध्यम से ये क्लास चल रही है, तो आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। आप नेपाली में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कोई नेपाल से अगर आना चाहे तो? जो कोई भी काम सीखना चाहता है अच्छे से, अच्छा वाला काम, इधर उधर ना भटके सीधा एशिया टेलीकॉम में। क्या फायदे एशिया टेलीकॉम में? बहुत ज़्यादा फायदे सर। एक दो जरा गिनाओ जरा। क्या बताऊँ, सब टीचर्स भी ऐसा ऐसे है कि एक एक ट्रिक वाला नॉलेज देते हैं, सीधा दिमाग में घुस जाता है। तो आप नेपाल से हो, हम हिंदी में पढ़ाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? नहीं होता सर। नहीं होता, कॉम्बिनेशन नहीं होता। समझ आए ना? समझ में आई कि नहीं क्लास में? चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है विनोद, बताइए। आप नेपाल से हो और नेपाल से इतनी दूर, नेपाल से अभी मेरे पास तीन स्टूडेंट और आ रहे हैं, तो तीन स्टूडेंट के नेपाल के लिए क्या बोलोगे? मतलब इजीली सीख लेगा वो, हिचकिचाए ना हो, सीख लेगा। डरने समझने की जरूरत नहीं है भाई, सुन लो। नेपाल वाले जो हमारी अगली बेंच में आ रहे हैं, इनको सुन लो, इनकी जुबानी सुनील। क्या बोलना चाहोगे सनी, क्या बोलना चाहोगे उनको? आना चाहिए सर, आना चाहिए सर। बहुत बढ़िया नॉलेज, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, काम करने का तरीका सही क्या है, कैसे है, सीखना है, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आने के लिए उसको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना जरूरी है क्या? नो सर, वो जीरो होना चाहिए। जीरो से जीरो होना चाहिए। जीरो क्या होना चाहिए? जीरो सर। जीरो पे सर, यहाँ जो जीरो पे बैठेगा बहुत आगे जाएगा। यस सर। तो संदीप ये बताओ मेरे को कि पूरा हार्डवेयर सेक्शन, जी सर, पूरा हार्डवेयर सेक्शन, पूरा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद आज MMC का पूरा जो आपका जो भी सिलेबस था वो पूरा हुआ आपका MMC का। तो अभी बताओ मेरे को कि अगर एक डेड मोबाइल आता है, जी सर, एक डेड मोबाइल आता है, सिंपल शब्दों में आपसे पूछ रहा हूँ, अगर डेड मोबाइल आता है तो आप में क्षमता है बनाने की? बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। डायग्नोज करने की? डायग्नोज कितनी देर में कर लोगे भाई डेड से? सर 10-15 मिनट सर। कर लोगे? DC की रीडिंग मालूम है आपको? USB टेस्टर की रीडिंग मालूम है आपको? MMC से कब फॉल्ट है मालूम है आपको? पावर से कब? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपको शोर कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मेरे को कि अगर कोई पेस्टेड आ जाता है रीस्टार्ट पे, हेलो, यस सर, कोई भी मोबाइल अगर आपके पास पेस्टेड आ जाता है रीस्टार्ट पे, यस सर, तो तुम उसकी रिस्क लोगे कि डायरेक्ट बिना रिस्क लिए बनाओगे? बिना रिस्क। क्यों भैया? क्योंकि सर हमें ट्रिक पता है, कैसे क्या करनी है सब पता है हमें सर। तो अभी रिस्क तो नहीं लेंगे ना? नो सर। वेंटिलेटर पे मरीज की जान जा सकती है, ऐसी रिस्क तो नहीं लेंगे ना? नो सर। हेलो, नो सर, ऐसी रिस्क तो नहीं लोगे ना? नो सर। ये लाइव देख रहे हैं ना बहुत लोग, ये सर वो डर रहे हैं, डरने की क्या बोलोगे उनके लिए? डरना, डरने से कुछ नहीं होगा, आओ उसके बाद यहाँ पर सब डर दूर हो जाएंगे। डर के आगे जीते, डर के आगे जीते, जीते। तो भाई टाइम तो पर्याप्त मिलता है ना पढ़ने का? यस सर। कितने घंटे? 15, 16, 14। कितने घंटे? तारीख बदल जाती है। क्या बदल जाती है? तारीख बदल जाती है। कौन बोलता? सुनील ने बोलता, सबसे ज्यादा ये बोलता। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो आ जाओ, तीन का बल्कि आ जाओ इधर। महावीर गुजरात से, चेहरे पे खुशी। अभी डेट सेट कैसा होगा बताओ मेरे को? आराम से, चुटकी में। चुटकी में सारी रीडिंग है? यस सर। मैं बोलूंगा कि इसकी MMC चेंज कर दे महावीर। अभी अभी बैठ जाता हूं, आप खड़े रहो, मैं बना के दे दूंगा। गुड, एक बार क्लैपिंग कर दो। महावीर डेड मोबाइल को डायग्नोज करना है कितनी देर लगेगी? ज्यादा से 5-10 मिनट। सॉफ्टवेयर करना है किसी, कोई सी भी फाइल फ्लैश करना है आपको, तो जब कंप्यूटर खोले तो भाई खत्म हो गया मोबाइल। yes, खत्म हो गया। yes, sir. आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, आप MMC कर रहे हो, आप MMC चेंज कर रहे हो। yes, इसके ऊपर क्या है? हेलो, लाइट ग्राफिक्स कौन कौन बना सकता है? ऑडियो? यस सर। नेटवर्क? यस सर। नेटवर्क में ISP हुई कि नहीं आपकी? यस सर। सब आप काम कर सकते हैं। और एशिया टेलीकॉम कभी साथ छोड़ेगा क्या? नो सर। बताओ मेरे को। नो सर। बताइए, साथ छोड़ेगा कभी? नो सर। नहीं छोड़ेगा सर। चलिए आइए आशीष। तो आशीष MP से पास के पास में हो, ईमानदारी से बता भाई मेरे, आज 2 साल पहले अगर एशिया टेलीकॉम आ गया होता तो क्या पोजीशन थी तुम्हारी? बहुत आगे रहते हैं। बहुत आगे रहते हैं। बहुत आगे रहते हैं। अभी ये बताओ मेरे को कि तुम्हारे पास डेड मोबाइल आया, वो MMC से डेड है, सॉफ्टवेयर से डेड है, पावर से डेड है, CPU से डेड है, या MMC से डेड है, या किसी भी चीज से डेड है, तो डायग्नोस कर सकते हो? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर पाएंगे डायग्नोस। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है भाई? बस ये सब ऐसे टेलीकॉम का है। तो आपको ये तीनों चारों सेक्शन में 6 टीचर से पढ़ाया आपने, तो कोई टीचर आपको कमजोर लगा क्या? नहीं नहीं। कोई कमजोर गाड़ी मिली क्या आपको? नहीं नहीं। बात करूं हैंड स्किल की, बात करूं थ्योरिकल की, और थ्योरिकल में सर देव सर का कौन नहीं है?
दे सर या कोई छोड़ नहीं है। अच्छा देव सर के अलावा कोई कोई बंदा दे सकता है? नो सर। इस लेवल से दे सकता है क्या? नो सर। कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे देव सर के लिए? थैंक यू सर। ऐसे दिल से बताओ, मैं कुछ भी नहीं बोलता, तुम तुम्हारे मन से बोलो, तुमको कैसी फील आई बताओ मेरे को, शुरू से लेकर आखिरी तक। शुरू से लेकर तो पहले क्या हमको बोर्ड देखने का जो नजरिया था ना वो पूरा बोर्ड देखने का नजरिया किसने बदला? देव सर ने बदला है। लाइट ग्राफिक्स सारे सेक्शन का सेक्शन नेटवर्क कैसा हो गया तुम्हारा? नेटवर्क तो अभी बिल्कुल की जैसे कोई देखते ही बराबर बता देगी कि नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है। कोई सी ऐसी आईसी जो ऐसा कि जो जानी बचानी नहीं लगती? नहीं, या उसके उल्टे जाने बचाने नहीं लगते, उसकी फ्रीक्वेंसी जानी बचानी नहीं लगती? पहले तो बोर्ड ऐसा देखो बस कि आईसी कहाँ लगी, कहाँ सीपीयू कौन सा पावर आईसी कौन सी, भी नहीं पहचान से आने के बाद तो पूरा नॉलेज आ गया। ठीक है चलिए, मेरे साथ तीन स्टूडेंट और हैं, तीनों आ गया। समझा कभी एसएमडी पकड़ी थी क्या यहाँ से पहले? नहीं सर। हेलो, ये फोटो खींच लो भाई इनका, मैंने फोटो खिंचवाया था ना 26 तारीख को, ये स्टूडेंट फ्रेशर है और चौथे दिन अगर इनसे सीपीयू नहीं लगे तो आप फीस रिटर्न कर देगा का, यहाँ पढ़ाना बंद कर देगा। तो गारंटी मिली थी कि नहीं मिली? मिली थी। तो काम हुआ कि नहीं गारंटी? पूरा काम हुआ सर, पूरा काम। चलो मैं आज बोलता हूँ तुमको डबल डेकर की क्लास नहीं, 53,000 रुपए देके घर वापस पहुँचा देता हूँ, फीस वापस देके पहुँचा देता हूँ आपको, तो आप जाओगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं जाओगे? सर नॉलेज मिला है यहाँ पे, बहुत बढ़िया नॉलेज मिला है, कैसे जाएंगे हम? किसी को चाहिए अभी भी फीस? किसी को? नो सर। सर इतनी तारीख के बाद, इतने दिन पढ़ाने के बाद भी फीस किसी को नहीं चाहिए? हेलो सोनू। यस सर। नाम बताइए। सोनू नाम है सर, बिहार। असली नाम बता सोनू तो दुनिया का। साकिब। साकिब, साकिब क्या सोच के आए थे घर से और क्या नॉलेज मिला तुमको? जो सोचे थे उससे भी ज्यादा मिल गया। अच्छा, अभी डेट सेट अगर आएगा तो बना दोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा एमएमसी से दिक्कत हुई तो वो भी बन जाएगा सर। सॉफ्टवेयर से दिक्कत हुई तो? बिल्कुल सर। एमएमसी चेंज करना पड़ी तो पूरा हो जाएगा सर, वो डबल डेट वो। अगर प्रोग्रामिंग से दिक्कत आई, 90% कंज्यूम, हेलो 90% कंज्यूम आया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? मेरे साथ एक और स्टूडेंट है शमशाद। यस सर। बताइए क्या क्लास, क्या परफॉर्मेंस और क्या बताइए। दीपक सर। जी सर। जरा एलसीडी देख लो सर, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा सर। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, शुरू से आज तक बहुत बढ़िया रहा सर। मतलब सॉफ्टवेयर की बात करूँ, हार्डवेयर की बात करूँ, हार्डवेयर में 18 दिन आपको देव सर ने पढ़ाया, डेट सेक्शन पढ़ाया, नेटवर्क सेक्शन पढ़ाया, आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया जी, तो क्या सीन है भाई? इधर आ जाओ। सीन बहुत बढ़िया है सर, सब आ जाओ। बहुत बढ़िया रहा सर, हर एक चीज़ हमको समझ में आया सर, बढ़िया से समझ। तो सॉफ्टवेयर आपका एकदम इजी ट्रिक में हुआ? एकदम इजी ट्रिक में हुआ सर। सॉफ्टवेयर में जो आपको दुर्गेश सर मिले थे? यस सर। तो सॉफ्टवेयर में अभी ऐसा कोई बंदा जो सॉफ्टवेयर नहीं कर पाए? नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है सर। इजी गोइंग कर लेंगे एकदम। कितने बहुत सारे टूलों की, 10-15 टूलों की जरूरत लगेगी कि दो टूल में हो जाएगा? दो टूल में हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर, खाली दो टूल में सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यस सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मैं आपकी जुबानी पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपका नाम बताओ और आपको क्या मिला है सीढ़ी काम में बताओ। जी मेरा नाम गणपति है, मैं उड़ीसा से हूँ। जब शुरू से आया था ना कुछ नहीं जानता था आईसी की पहचान और कैसा रिबल करना, सब कुछ यहाँ मिला सब आके। और मैं पहले दूसरा इंस्टीट्यूट भी गया था तो वहाँ पे भी बहुत कम नॉलेज मिला था, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा मिला है। तो सब कुछ देव सर की वजह हुआ है जो भी है। और ईएमसी के बारे में तो मतलब बहुत कुछ मिला, ज्ञान मिला है मुझे, तो मैं ऐसे टेलीकॉम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मेरा नाम ललित प्रजापत है, मैं राजस्थान से हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं शुरू में जब 28 नंबर की बैच में आया था तो मैं एकदम फ्रेशर था, और आज इतनी नॉलेज है कि मुझे जहाँ पता है कि मेरे आसपास के जो शॉप है वो चाहे 35 साल से काम कर रहे हो चाहे 15 साल से काम कर रहे हो, मैं उनके बराबर हो चुका हूँ सर। बराबर इतनी नॉलेज मिल चुकी है सर, कॉन्फिडेंस। और ये सब नॉलेज देने के लिए मैं ऐसे टेलीकॉम को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है भाई, जम्मू कश्मीर से जबलपुर, एक महीने का सफ़र। जी सर। ठंड तो बोलूंगा नहीं कि ज़्यादा थी यहाँ पर, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी ठंड नहीं, गर्मी है यहाँ जीरो। तो ये बताइए कैसा सफ़र रहा आपका सर? थ्रू आउट फर्स्ट डे 28 तारीख पहले जब आया था तो बहुत डर लग रहा था,
यहाँ जब आया तो ऐसा लगा कि सब अपने ही है। तो 11 साल से मैं इस काम में था, सब मुझे नहीं लगा, मैं नहीं तो सब अपने आप को अफलातून समझते थे। अच्छा। यहाँ जब क्लास शुरू हो गई कंपोनेंट की क्लास, तो उसी टाइम हमें पता चला कि हम जीरो हैं सब। तो जीरो किसने कर दिया था कंपोनेंट की क्लास में? देव सर ने। देव सर ने जीरो कर दिया था आपको? नॉलेज में जीरो कर दिया था? यस सर। दिमाग से भी जीरो कर दिया था? दिमाग से भी जीरो। कि जो तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी है इसको पूरी बाहर कर दो और जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो सही है नॉलेज। जी सर। तो उसके बाद आज हम उस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मुर्दे को आप जिंदा कर सकते हैं। मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं सर। बात करूँ डेक डायग्नोस की, बात करूँ नेटवर्क की, बात करूँ चार्जिंग की, लाइट की, ग्राफिक्स की, ऑडियो की, हाँ सर सब है ना, नेटवर्क की बात करूँ मैं और डेक डायग्नोस। तो डेक डायग्नोस में अब रिजल्ट निकला कि नहीं निकला? जी बिल्कुल सर, 5 मिनट में डेक डायग्नोस होगा कि कहाँ पे। अगर सॉफ्टवेयर से डेट हुआ तो उससे भी पता चलेगा, 5 मिनट में पता चलेगा। अगर इमेंसी से डेट हुआ तो उससे भी 5-10 मिनट में पता चलेगा। अच्छा, कोई इमेंसी का बंदा आया तुम्हारे पास कि यार 16 को 32 कर दो तो कर देंगे आसानी से? तरीका है तुम्हारा? यस सर। इमेंसी चेंज कर दे आपको? हाँ सर, इमेंसी भी। अच्छा, बोर्ड को स्वेपिंग कौन कौन कर सकता है? हाँ सर। स्वेपिंग मतलब क्या होता है? कौन कौन कर सकता है सर? शॉपिंग कौन कौन कर सकता है? सर, आप शॉपिंग कर सकते हो? यस सर। तो ये नॉलेज, ये स्किल क्या बोलेंगे सर? दूसरे के लिए शुक्रिया, और वो जो है हमारे दिल में हमेशा के लिए रहेंगे। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सचिन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमसी तीनों का निचोड़, और आज रिव्यू ले रहा हूँ आपसे, बोलो। बहुत ज़बरदस्त रहा सर हार्डवेयर। जब मैं शुरुआत पर आया था तो जीरो था, अब मुझे पता चला मैं जीरो क्यों हूँ और अब हीरो क्यों हूँ। तो जीरो पे थे कि माइनस में थे? नहीं, माइनस जीरो में, माइनस जीरो में, जमीन के नीचे थे। यस सर, अब बहुत मज़ा आ रहा सर। अब कल की जब डुअल डबल टेकर क्लास होगी उसमें भी बहुत आनंद आने वाला है। मेरे साथ स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर है इस मोबाइल की लाइन में, बिल्कुल फ्रेशर है। जी सर, मोबाइल बेचने का अनुभव था, सुधारने का अनुभव नहीं था, सारा अनुभव जो लिया है इन्होंने यहीं से लिया है। बिल्कुल, तो अनुभव के बारे में तो कुछ नहीं पूछूंगा, इनको मिला क्या इसके बारे में पूछूंगा? मुझे बहुत कुछ मिला है, एक्सप्लेन के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हार्डवे से लेके आज तक, चाहे स्टार्टिंग से कंपोनेंट से लेके एएमसी तक, सीपीयू तक, बोर्ड में जितना भी स्पेयर पार्ट होते हैं उसका वर्किंग, फंक्शन, लाइन, ट्रैकिंग, ऑल टोटल नॉलेज और उसका जो वैल्यू, सब इधर एशिया टेलीकॉम आके ही मिला है। और आईसी की बात करूँ तो चाहे नेटवर्क आईसी हो, चाहे पीएमआईसी हो, चाहे सीपीओ एएमसी आईसी हो, क्या करना है और कहाँ से देख के कौन सा फॉल्ट रहे, कौन सा जैसे फॉल्ट आया आ रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट एक रीडिंग देख के भी बोल सकते हैं। चलो, आप सबसे एक प्रश्न मेरा, आप सबसे, हेलो हेलो हेलो, आप सबसे एक प्रश्न मेरा, आप सबसे, अगर मैं बोर्ड में से, मैं अगर बोर्ड में से एक मोबाइल के मदरबोर्ड, जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं, पीसीबी में से सारी कॉइलों को निकाल के ऐसा जो हाथ में घुमा दूं और तुम्हारे को दे दूं कि पहचान के बताओ कौन सी बूस्ट है, कौन सी बग है, हेलो, कौन सी बग कहाँ लगेगी, कौन कौन बता सकता है? सब बता सकते हैं। हवाबाजी की बात नहीं होती यहाँ पे, है ना? जो हवाबाजी में बात नहीं होती यहाँ पर, जो रियल है वो सर बता रहे हैं हम, जो आप भी थे, मैंने ये खुद प्रैक्टिकल चीज़ को मैं अभी फील कर रहा हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो मुझे कुछ जिसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। आज इतना सारे टेक्निकल वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे हार्डवेयर में हो, कि ट्रैकिंग के बाद हो, कि नेटवर्क सेक्शन में हो, जितना भी है सब इधर आके ही मिला है। एमसी आईसी के बारे में जो है, स्वैपिंग के बारे में अभी जो बोल रहे हैं उसके बारे में हो, और सॉफ्टवेयर के बारे में हो। अच्छा, ऐसा कोई सा सेक्शंस गया है, ऐसा कोई सा सेक्शंस गया है जिसमें आपने लाइट की बात करूं, ग्राफिक्स की बात करूं, या फिर उसके अंदर मैं नेटवर्क की बात करूं, कि आपने डायग्राम नहीं बनाया, आपके हाथ से कुछ डायग्राम नहीं बना हुआ? आईडी थर्मल की लाइन की बात हो, टेम्परेचर की बात हो उसके अंदर, है ना, आईडी की लाइन की, थर्मल की लाइन का, सारा का सारा डायग्राम आपने खुद अपने हाथ से ड्राइंग करे कि नहीं करे? चार्जिंग का, चार्जिंग का सारे सर्किट, एक एक चीज, एक एक पेड लाइन, बीक्यू का पूरा चूज गए तुम, एक एक लाइन पकड़ लिया आपने। लाइट आईसी अगर बोलू 12 वाल्ट की, सारा का सारा, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा डायग्राम बना के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक से एक लेके जितने भी आईसी है सबका पेड लाइन कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, क्लॉक क्या, कमांड क्या है,
ए टू जेड पूरा नॉलेज दिया गया है, पेड टू पेड लाइन तक, चार्जिंग चार्जिंग जैक से लेके सीपीओ आईसी तक पूरा का पूरा लाइन जो जाता है ट्रैक लाइन, वो सब पता है। इवन यहाँ तक कि हमने सिम ट्रे की लाइन भी सीपीयू के अंदर तक ट्रेस करी है। हेलो सर, कितना जरूरी होता है कि सब कामों का प्रैक्टिकल करना, बहुत जरूरत है। बोलने जो देखते हैं, जो ऑनलाइन क्लास करते हैं और ऑफलाइन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है सर। एक हाथ के छू के जो फील आता है वो देख के फील नहीं आता है। तो मेरे साथ दो स्टूडेंट हैं। जी इमरान, 28 तारीख से इमरान, आपका नाम पूरी पब्लिक जानती है इमरान, और तुम उड़ीसा से आए हो। तो इमरान 28 तारीख से लेके तो आज तारीख हो रही है 20, है ना, कितने भी दिन हुए, उसका अनुभव बताओ अपना कि कैसा रहा सर। बहुत आपका हार्डवेयर से स्टार्ट करूंगा मैं और एंड करूंगा एमएमसी पे। यस सर, बहुत बढ़िया रहा सर, मुझको इतना एक्सपीरियंस नहीं तो यहाँ इतना मिल सकता हम लोग को, बहुत सारा जितना भी हम लोग अनुभव नहीं किया तो उससे ज़्यादा कुछ मिला है। यहाँ के जो सर सभी है एक से बढ़ के एक ट्रिक देते हैं हम लोग को, इतना मतलब भरोसा नहीं था इतना भी हम लोग ट्रिक ले सकते हैं, जितना भी एक दिन में हम लोग के लिए बहुत, मैं एक एक साल का बराबर हो जाता है, एक दिन में इतना ट्रिक मिलता है हम लोग को यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाली लग रहा है, खुशी लग रहा है कि कैसे कि दुकान जाएँ, दुकान में काम करें। तो ये बात दिल से बोल रहे हैं? दिल से सर, दिल से बोल रहे हैं। दिल से आज ऐसी निकलती है सर, एकदम दिल से बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं। ठीक है चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है, ये नाम बता दीजिए अपना। नवीन, कहाँ से हो भाई? बिहार से सर। आप? सर कोलकाता वेस्ट बंगाल। नाम? विक्की कुमार। मैं छत्तीसगढ़ से सीरीज। उधर आगे आ उड़ीसा से। उड़ीसा से उमाकांत, उड़ीसा से। तो शुरुआत मैं नवीन आपसे करना चाहूँगा, शुरुआत बात करूँगा मैं आपको, जो हमारी हार्डवेयर क्लास की शुरुआत की थी हमने 28 तारीख को। जी सर। है ना, क्लास आपको 27 तारीख को भी दी थी, पर बाकी हम उसको क्लास की कैटेगरी में नहीं लेते, है ना। एक जीके की क्लास थी, जनरल नॉलेज की, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की क्लास थी, जो आपको देव सर ने दी थी। देव सर ने 18 दिन पढ़ाया आपको। कितने दिन? 18 दिन पढ़ाया आपको देव सर ने, और 10 दिन हमारा सॉफ्टवेयर और एमएमसी के, है ना, जो थ्रू आउट पैरेलल में सॉफ्टवेयर हमारा, उसके हार्डवेयर के साथ ही हमारा सॉफ्टवेयर भी चला। तो मेरे भाई 28 दिन की क्लास हुई है तुम्हारी, और अभी 2 दिन की और बाकी है अभी। जी सर। तो क्या अनुभव रहा है सर टेलीकॉम के साथ? बहुत अच्छा अनुभव मिला सर, कि जीरो से लेकर एडवांस तक हमको सीखने को मिला, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक एक चीज अच्छे से नॉलेज दिया गया। अच्छा, तो अभी डेड हैंडसेट तुम्हारी शॉप पे आता है? जी सर। तो रिकवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बना पाओगे कि नहीं पाओगे? बना पाएंगे सर, आसानी से बना पाएंगे। क्या कारण है उसका बताओ मेरे को। उसका कारण यह है कि यहाँ डेट से लेकर के ऑन से लेकर के सॉफ्टवेयर के हर एक नॉलेज दिया जाता है, कैसे टेस्ट होता है, कौन ऐसी खराब है, किसके कारण से क्या प्रॉब्लम आता है, ये सब कुछ बताया गया पूरा। अगर मैं बोलूं कि सॉफ्टवेयर से डेट है तो बना सकते कि नहीं? बना आराम से बना। अगर एमएमसी से डेट है तो बना, एमएमसी चेंज कर सकते हो? चेंज कर सकते हैं आराम से। तो वो तो ब्लैक पेस्टेड है, अभी तुमको 7 दिन ही बताया, ब्लैक पेस्टेड पर काम कैसे करोगे? रियल बताऊं सर, तो पहले ब्लैक पेस्टेड सुनते ही डर लगता था कि हीट भी मारेंगे तो खराब हो सकता है फोन, अब तो उसको काट पीट के निकाल के फेंक देंगे सर। कोई सा भी पेस्ट हो, कोई भी पेस्ट हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जी सर, फलाना डिंका, जो भी हो। जी सर। व्हाइट पेस्ट, ब्लैक पेस्ट कुछ होता है क्या? व्हाइट पेस्ट, ब्लैक पेस्ट क्यों? कुछ नहीं, ब्लैक पेस्ट और व्हाइट पेस्ट कुछ होता है क्या? नो सर, नहीं होता सर। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि चलो ठीक है कि अगर इसमें बेसमेंट का दिक्कत आ गया तो बेसमेंट बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बापी उमाकांत। तो बताइए, बापी को बुलाओ। बापी चलो इधर आओ, बताओ। सर बहुत ही अच्छा। 28 तारीख से अभी तक क्या 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 हालत तुम्हारी बताओ सर? बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला सर, 28 तारीख से आज तक का जो नॉलेज पूरा अच्छा मिला है मेरे को। सब सीपीयू का काम और ईएमसी का इतना नॉलेज ही नहीं था, बिल्कुल जीरो था। अच्छा मिल गया सर, डेट का नॉलेज कैसा? बहुत ही अच्छा मिला सर। क्या बोलेंगे डेट के लिए, किसको क्रेडिट देंगे? एक ग्रेड सर, ए प्लस। किसको क्रेडिट देंगे डेट के लिए आप? देव सर ओनली, और सारे टीम को। देव सर एक नंबर ने आपको हार्डवेयर पूरा पढ़ाया है, 18 दिन पढ़ाया आपको हार्डवेयर। अच्छा, दिन आपका डेट सेक्शन कैसा कर दिया? बहुत ही अच्छा सर। अगर डेट में अगर एमएमसी से फॉल्ट आया, एमएमसी फॉल्ट आया तो कर दूंगा सर। क्यों? पेस्टेड है वो तो? नहीं, पेस्टेड लाला पेस्ट लगा, बहुत हार्ड पेस्ट लगा उसको। जैसा भी पेस्ट लगा दो, सारे बोर्ड में पेस्ट लग जाने पर निकल जाएगा। हार्ड पेस्ट लगा कैसे निकालोगे भाई? बोर्ड के चारों तरफ भी सारे जगह चार्जिंग कनेक्टर से भी लगेगा तुम्हें। एक बार ग्लीजिंग कर दो उसके लिए यार। और मैं
कुछ तो बात है भाई तेरे सर, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। रात को सर सोते समय भी फोन बना रहे हैं, सपना में सोच रहे हैं। चलो ये चीज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, क्योंकि आपके टीम लीडर में पेशेंस, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर उनमें पेशेंस है ना सर, तो आप में तो आना ही चाहिए सर। तो फीस वसूल हो गई तुम्हारी? हाँ वसूल तो कब से हो गया क्यों था? अगर ये बोल सकता हूँ मैं, एशिया टेलीकॉम मतलब फीस वसूल? यस सर। एशिया टेलीकॉम मतलब फीस वसूल, पैसा वसूल? यस सर। किस किस का वसूल है? सबका वसूल है सर। डबल वसूल? डबल वसूल यस सर। तो सिर्फ ये बताइए, 28 तारीख से आज यूनिवर्सिटी का लास्ट दिन था तुम्हारा, कल भी क्लास है परसों की क्लास है, क्या क्या चला? सारे कंपोनेंट भी निकाले आपने, माइक्रो जंपरिंग भी करी आपने, हाइब्रिड फिल्टर भी निकाला, प्लास्टिक कनेक्टर भी निकाला, सब निकाला जी। बहुत मजा आ रहा है, मतलब नॉलेज ऐसा मिल रहा है कि अब कुछ है ही नहीं, अब नॉर्मल हो गया फोन, ऐसा टाइप का लग रहा है, मतलब हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर एमसी से दिक्कत आता है वो भी हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्या बोलेंगे हमारे विलन सर के लिए? सर ग्रेट है विलन सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, मतलब एकदम इजी, मतलब जितना भी इजी हो जाए उस टाइप के समझाते हैं सर। तो ये तो सर तो बंगाल से बिलोंग करते हैं, सब आते सर, सब तो सभी सर सभी आते सर। सबको क्या बोलेंगे विलन सर के लिए? जीरो लेवल से दिया, हमने वहां से एमएमसी सिखाया आपको कि आपने जीवन में कभी एमएमसी देखा भी नहीं, राइट? पहली जो क्लास हुई थी उसमें बताया ना बिल्कुल कि आपने जीवन में कभी, आपको ये भी फर्क बताया कि एमएमसी क्या होती है, एमएमसीपी क्या होती है और यूएफएस क्या होता है। जी सर, है ना, फर्क बताया आपको। पहले तो उसको निकालने के लिए डरते थे, प्रोग्रामिंग क्या करना है कैसे करना है कुछ आइडिया नहीं था। अरे पहले पहचानते नहीं थे ना सर, पहचानना शुरुआत हुई फिर उसको निकाले आप, निकालने के बाद रीडिंग ली, रीड क्या होती है, राइट क्या होती है, लॉक कैसे पढ़ते हैं, कौन सी एमएमसी पे काम करना है, कौन सी एमएमसी पे काम नहीं करना है, कौन सी एमएमसी बन जाएगी, कौन सी एमएमसी से कौन सी एमएमसी रिप्लेस होगी। यस सर, है ना, पूरा नॉलेज है। मक्खन की तरह पढ़ा है सर, मक्खन की तरह। तो दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? बहुत सारा घुस गया, घुस गया सबके दिमाग। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्पेशली क्लास Full day.